दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में 1000 से भी ज्यादा चीता हुआ करते थे, परंतु अभी के टाइम पर एक भी नहीं। आखिर क्यों, कहां गए सभी चीता? पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चीतों की विलुप्ति के दो मुख्य कारण थे। नंबर 1, जानवरों के शिकार के लिए चीतों को पालतू बनाया जाना, क्योंकि चीतों को पालना आसान था। पुराने जमाने के राजा महाराजा अक्सर शिकार के लिए चीतों को पालते थे और चीतों को जंगल से लाकर जंजीरों से बांध कर रखते थे, जिससे चीता प्रजनन नहीं कर सकते थे। राजा और जमींदारों के बाद अंग्रेज अफसरों के शिकार के लिए चीता और उनके शावकों को बड़ी संख्या में जंगलों से लाया जाता था, जिससे धीरे धीरे चीतों की संख्या में कमी होती गई। नंबर 2, 1880 में गवर्नर के एजेंट ओबी इरविन की मृत्यु शिकार के दौरान एक चीते के हमले से हो गई थी, और इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया गया और उसको मारने वाले को पुरस्कार दिया जाने लगा, जिससे शिकारी चीते को मारते चले गए। और हमारे देश के आजाद होने के बाद 1951 से 52 में भारत सरकार द्वारा चीते को विलुप्त जानवर मान लिया गया था।